हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जमा दो के तीनों संकाय का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झगड़ियानी धनेड़ की छात्रा कनिका शर्मा कॉमर्स संकाय में मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में तीसरा स्थान हासिल कर अपने स्कूल अध्यापकों व माता पिता का नाम रोशन किया है, जिससे स्कूल व परिवार में खुशी का माहौल है। कनिका शर्मा ने बताया कि वे भविष्य में CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं। टॉप 10 में तीसरा स्थान हासिल करने वाली कनिका शर्मा ने बताया कि वे इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं और इसका श्रेय अपने अध्यापकों और माता पिता को देना चाहती हैं। कनिका ने बताया कि वे भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं। कनिका ने कहा कि स्कूल से घर जाकर वे 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने और बच्चों को भी कड़ी मेहनत करने को कहा और कहा कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे घर में भी जरूर दोहराएं। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी पोजीशन है आपकी? थर्ड। कौन से स्ट्रीम में? कॉमर्स। आपको कितनी उम्मीद थी कि मेरी टॉप 10 में नाम आएगा? ऐसे थी तो थी। और 10वीं में आपका कैसे रहा था? मैथ में अच्छा ही रहा था, 96% मार्क्स थे। 96? ओके। और अभी आप किस तरह पढ़ाई करते थे? पढ़ाई जो स्कूल में रेगुलर पढ़ाते थे उसे पढ़ते थे घर जाकर, मतलब रोज के रोज पढ़ाई करनी। कितने घंटे पढ़ते थे लगभग आप? 5 से 6। 5 से 6 घंटे? हाँ जी। स्कूल के अलावा? हाँ जी। और स्कूल स्टाफ का आपको कितना सहयोग मिला? बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, स्कूल टीचर्स, अवर प्रिंसिपल सर, इन्होंने मोटिवेट भी किया आपको? हाँ, बहुत मोटिवेट किया। प्रिंसिपल सर ने भी? हाँ जी। और घर में आपको? घर में भी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। क्या करते हैं आपके डैडी? हलवाई हैं। और मदर? हाउसवाइफ। तो और बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह पढ़ाई करें ताकि आने वाले जो बच्चे हैं वो भी टॉप 10 में जगह बना सकें? जो आपको रेगुलर पढ़ाया जाते हैं उसे घर में जाकर फिर से स्टडी करें दोबारा। अच्छा। 2-4 से 5 घंटे पढ़ें। और जो समझ नहीं आते हैं उसके लिए? उसके लिए टीचर से पूछें दोबारा। अच्छा। और आगे का क्या इकाई आपका, क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? ग्रेजुएशन ही करना चाहेंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखेंगे ग्रेजुएशन। नहीं, आपका कोई एम होता है कि मैं ये करना है, प्रशासन इसमें जाना है या किसी और के में जाना? CA? CA बनेंगे आप? स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में इससे पहले भी 3 बार बच्चों ने अपना नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज करवाया था और इस बार भी कनिका शर्मा ने टॉप 10 में तीसरा स्थान हासिल कर स्कूल व माता पिता का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि वे कनिका की इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं और बच्चों से भी आग्रह करते हैं कि वे कड़ी मेहनत करें और स्कूल व माता पिता का नाम रोशन करें। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 4 वर्षों में इस संस्था ने जो है पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे हमारे जिला में जो है वो उन्नति की जो है वो नई ऊंचाइयों को चूमा है। और ये स्कूल जो है पिछले 3 वर्षों में जो है इसने 3 मेरिटें जो है वो दी हैं, जिसमें 2017-18 में जो है हमारे स्कूल की जो है 2 बच्चियों ने जो है वो मेरिट में स्थान बनाया था। उसी प्रकार से इस वर्ष भी कनिका शर्मा कॉमर्स टीम, जिसने जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में 3री पोजीशन हासिल की, ये हमारे लिए बड़े फख्र का विषय है। ये इसका श्रेय जो है वो मेरी टीम को जाता है, उन अध्यापकों को जाता है जिन अध्यापकों ने जो है पूरा वर्ष जो है कड़ी मेहनत की, और बच्ची के माता पिता को जाता है, बच्ची को जाता है। ये बच्ची जो है बड़ी होनहार बच्ची है, ये हमेशा और बच्चों के लिए जो है प्रेरणा स्रोत बनी रही। और मेरा जो मैसेज है मेरी टीम के लिए, इन बच्चों के लिए, ये है कि बच्चों आप जहाँ भी रहते हो आप ये सोचो कि मैं जहाँ रहता हूँ मेरा जो है मेरा फ़र्ज क्या है। तो इसमें जो है बच्चों को अपने फ़र्ज पे ध्यान देना चाहिए और कड़ी मेहनत का कोई सहानी नहीं, भाग्य भी जो है उन्हीं का साथ देता है जो व्यक्ति जो है वो मेहनत करते हैं। और मैं इस वर्ष जो है 31 दिसंबर को इस पाठशाला से सेवानिवृत्त हो जाऊंगा और मुझे बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में भी जो है इस संस्था के बच्चे जो मैं देखता हूं कि मेरी संस्था में जो है हर क्लास में मेरिटोरियस बच्चे
और आने वाले समय में जो है इस स्कूल के बच्चे जो है स्कूल का नाम रोशन करेंगे, जो और स्कूलों के लिए भी जो है एक जो है प्रेरणा का स्रोत होगा।